की जानी मानी एक्ट्रेस चारू असोपा, जो कि सुष्मिता सेन की एक्स भाभी रह चुकी हैं, वो अपने प्रोजेक्ट से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती है। तलाक के बाद भी चारू हर वक्त अपने एक्स हस्बैंड यानी सुष्मिता के भाई राजीव सेन के साथ ही दिखाई देती हैं। चारू की दो बार शादी टूट चुकी है। पहले पति संग अलग होने के बाद चारू ने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन संग 2019 में घर बसाया था, लेकिन 4 साल बाद एक बेटी के हो जाने के बाद दोनों का तलाक हो गया। चारू ने राजीव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब बीते दिनों से कुछ समय से चारू एक्स हस्बैंड से काफी क्लोज आ चुकी है। एक्ट्रेस इस क्लोजनेस को लेकर खूब ट्रॉल भी हुई। ट्रॉलिंग पर अब चारू असोपा ने चुप्पी तोड़ी है और एक्स हस्बैंड संग अपने रिश्ते के सच को बताया है। चारू असोपा ने एक लीडिंग मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले लोगों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, जिसके पास भी फोन है वो कमेंट कर देता है, लेकिन मैं इस ट्रॉलिंग से खुद को परेशान नहीं होने देती। एक माँ होने के तौर पर मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है, उसकी अच्छी लाइफ के लिए मुझे क्या करना चाहिए। चारू ने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस इंडस्ट्री में मुझे काफी वक्त हो गया है, मुझे एहसास हो चुका है कि लोग आपको हर चीज पर राय देते ही हैं। अगर मैं अपनी बेटी को राजीव से मिलने देती हूँ तो लोग कहते हैं ये मुंह उठाकर फिर चली गई राजीव के पास। अगर ना मिलने दूं तो लोग कहेंगे कि बेटी को पिता से अलग कर दिया। तलाक के बाद राजीव संग अपने रिश्ते पर चारू बोली कि राजीव और मेरा तलाक म्यूचुअली हुआ था, मैंने कभी बेटी से मिलने के लिए राजीव को नहीं रोका। एक दूसरे संग कॉर्डियल रहने के बाद अब हम दोस्त बन गए हैं। हम पुरानी बातों को भूलकर जियाना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वेल, चारू असोपा का ये कहना कि हम आगे बढ़ रहे हैं अब फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या चारू और राजीव एक बार फिर से शादी करेंगे। वेल, इन दोनों का हमें समझ नहीं आता, कभी मिलन तो कभी जुदाई। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।